अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ दुआ और मैं हूँ सादून। हम लाए हैं आप लोगों के लिए बच्चों का मॉर्निंग शो सुबह मुबारक। सब बड़ों के मॉर्निंग शोज तो होते ही रहते हैं, मगर हम बच्चों के लिए कोई मॉर्निंग शो नहीं था। लेकिन अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ होंगे हफ्ते में 4 दिन और मिलकर करेंगे बहुत सा फन, बहुत सी मौज मस्ती। इसके अलावा होंगी बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ हम बुलाएंगे एक नए मेहमान को और उनके साथ लगाएंगे गपशप और खेलेंगे मजेदार गेम्स भी, यानी करेंगे खूब हल्ला गुल्ला, अच्छी अच्छी बातें जानेंगे भी और सीखेंगे भी। ना सिर्फ ये बल्कि हम आपको मौका देंगे हमारे शो में भी आने का। और अगर आपको लगता है कि आप पे है कुछ खास और आपके पास है कोई बड़ी अचीवमेंट, तो हमें जरूर बताएं स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर। हम आपको अपने शो में जरूर बुलाएंगे और बुलाएंगे जान दोस्त क्लब के मेंबर्स को भी। इसके अलावा और भी हमारे शो में है बहुत कुछ और बहुत से सरप्राइजेस भी, बहुत से शोज और ड्रामा भी। ड्रामे से याद आया, आज शाम आप लोगों के लिए आ रहा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा जिसमें है बच्चों की मासूम शरारतें, बड़ों की मजाइयां नोकझोंक, तरबियत भी है और मौज मस्ती भी। कोई है उसमें शरारती और कोई है उसमें पढ़ाकू, नाराजगी है तो फिर है मनाना भी। और हाँ, इसके साथ एक और सरप्राइज भी है। वो क्या है साधू? वो ये कि आज मैं गेस्ट भी हूँ और होस्ट भी। अच्छा, वो कैसे? बस ये भी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तो क्यों ना हम पहले अपने दोस्तों को सेट दिखाएं, क्योंकि ये इतना प्यारा बना हुआ है। हाँ ठीक है, जरूर दिखाते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज कॉर्नर की तरफ चलते हैं। हाँ चलो ठीक है। तो दोस्तों, ये है हमारा एक्सरसाइज कॉर्नर। यहाँ पर हम बहुत मजे मजे की एक्सरसाइज करेंगे जो हमें ईमान सिखाएंगी। एक्सरसाइज करने से हम ना सिर्फ एक्टिव रहते हैं बल्कि फ्रेश भी हो जाते हैं। और भी बहुत से कॉर्नर्स हैं, क्यों ना अब उन कॉर्नर्स को दिखाएं अपने दोस्तों को। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम खेलेंगे बहुत सी इंटरेस्टिंग गेम्स। यहाँ देख रहे हैं ना कितनी मजे मजे की गेम्स की चीजें पड़ी हुई है। दुआ, तुम हुला हूप करना, मैं क्रिकेट या फुटबॉल खेला करूंगा। ठीक है। वाओ, ओ यहाँ पे तो फुटबॉल भी है। साधुन, खुद ही खेलते रहोगे कि मुझे भी दोगे? अच्छा ये लो। अच्छा अब आगे चलते हैं। ठीक है। वाओ ट्विंकी, आप यहाँ पे बैठी हुई हो क्योंकि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती बावर्ची बच्चे में। हमारी जान नहीं छोड़ेगी, जहाँ जाते हैं वहाँ आ जाती है। क्यों छोड़े, वो हमारी दोस्त जो है। ये तो बात है। वाओ, बहुत प्यारा है ये, है ना? कितना प्यारा ट्री बना हुआ है, कितनी ज्यादा बुक्स पड़ी हुई है इसके ऊपर। दोस्तों ये देखिए कितना प्यारा ट्री है जिसके ऊपर हमने अपनी बुक्स रखी हुई है। और इस कॉर्नर में हम रोज सुनेंगे एक मजेदार सी कहानी जिससे हमें एक अच्छी बात सीखने को मिलेगी। ओह कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बुक्स की बारिश हो रही हो। तो दोस्तों ये है हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट कॉर्नर। यहाँ पर हम बहुत मजे मजे की चीजें बनाएंगे जो मैं मनाल आपी बनाना सिखाएंगी। तुम तो इतनी जल्दी आके सीट पे बैठ गई हो, मैंने बैठना था, इतनी शरारती मैं बैठ गई। तो दोस्तों आपको पता है इस वॉल पे हम मनाला पे की बनाई हुई चीजें चिपकाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारा सेट कैसा लगा ये आप हमें अपना फीडबैक भी देके बता सकते हैं। और कल से हम आपके मैसेजेस भी शामिल करेंगे, तो आप आज से ही हमें मैसेजेस करना शुरू कर दें नीचे दिए गए नंबर पर। तो चले फिर आप आगे बढ़ते हैं और अपने गेस्ट को बुलाते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको ज्यादा इंतजार बिल्कुल नहीं करवाते और मिलवाते हैं आपको उस ड्रामे की कास्ट से जिसका नाम है चंदा तारे। वाओ कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है। दोस्तों आप इस ड्रामे को एंजॉय कर सकते हैं मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को शाम 7:30 से लेके 8 बजे तक। साधुन तुमने भी तो मुझे एक सरप्राइज देना था ना, वो क्या है? वो ये है कि मैं भी इस ड्रामे का हिस्सा हूँ और आज मैं भी गेस्ट हूँ और होस्ट भी। इसका मतलब आज मैं ज्यादा होस्टिंग करूंगी। ओह वाह, ये कितनी अच्छी बात है ना। तो वेलकम करते हैं चंदा तारे की कास्ट को। चंदा,
में कजा के रंग और रहे हर मुश्किल में एक दूसरे के संग। जिसमें उतरती है प्यारी प्यारी तितलियां, प्यार की शोखियां अपनों का साथ है, शरारते हमकते और ख्वाब अपने। आओ मिलकर खुशियां समेट ले हम और ले बुजुर्गों की दुआएं हम सभी। अच्छा वेलकम किया है आप लोग भी हमारे साथ भी इतनी सारी चीजें ले आए। ये तो बस कुछ हमारी फेवरेट चीजें थी जो हम आप लोगों के सेट के लिए ले आए। तो चले फिर बैठते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और आप लोगों को सेट कैसा लगा है? मुझे तो आपका सेट बहुत अच्छा लगा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बारी बारी करके बताया ना। जो आप लोगों के सेट पे सारी डेकोरेशंस हैं और मुझे तो ये काउंटर जो है ये वाला कॉर्नर आई जस्ट लाइक इट, बहुत अच्छा है ये सारा। और बाकी आप लोगों का सेट और शरीफ तुम्हारे रैकेट वो देखो। ओह माय गॉड, ये तो मेरी फेवरेट चीज है। आई थिंक शायद मैं इसको चोरी करके भी ले जाऊं यहां से और बचा के रखना साधू, ये ले भी जा सकता है। हमारे दोस्त आप लोगों के नाम जानना चाहते हैं, आप अपने अपने नाम बताएं। मेरा नाम है कश्माला। और मेरा नाम है कशव। मैं साथ। और मेरा नाम है मौजम। मेरा नाम है मेकान। अच्छा तो आप लोगों के ड्रामे में नाम क्या है? मेरा इस ड्रामे में नाम चंदा है, लेकिन मुझे घर पे भी प्यार से चंदा ही कहते हैं। और मेरा नाम आयमा। और मेरा नाम रायान। और मेरा नाम शेरी। और मेरा नाम चिंटू। अच्छा आप लोगों में से चंदा कौन है और तारे कौन है? वैसे मुझे तो पता है लेकिन हमारे दोस्तों को नहीं पता। ये है चंदा और हम सब हैं तारे। एक तारा मिसिंग है। दानी कहाँ है? वो दानी थोड़ा बिजी था लेकिन हम उसे मिस कर रहे हैं। वो जान का गाना है वो जो गाता है। अभी भी बैठा जान ही देख रहा होगा। वैसे इतनी सुबह उठ के कैसा लग रहा है आप दोनों को भी? हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका सेट भी बहुत प्यारा है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये फर्स्ट एपिसोड है इस शो का और इसमें सबसे पहले गेस्ट भी हम ही हैं। और इतने मॉर्निंग शोज हैं बट किड्स का कोई मॉर्निंग शो नहीं है और बहुत मजा आएगा सबको ये देख के। और आप लोगों के भी बहुत मुबारक हो क्योंकि आज शाम को आपका ड्रामा जो ऑन एयर जा रहा है। थैंक यू। और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आज आपका पहला एपिसोड है। थैंक यू। अच्छा आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को एक्टिंग का शौक कैसे हुआ, लेकिन सब एक एक करके बताएंगे। तो शुरू करते हैं चंदा आपी से। मुझे देख देख के टीवी पे लोगों को कि मुझे भी शायद एक्टिंग आ ही जाएगी। एक्टिंग में आप सबसे ज्यादा किससे इंस्पायर हैं? नुमान एजाज से। अच्छा आयमा आप बताएं। क्योंकि मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने एक्टिंग करने का डिसीजन लिया। अच्छा रायान अब तुम बताओ। मेरा फेवरेट एक्टर है समी खान, उसकी एक्टिंग देख के मुझे शौक हुआ एक्टिंग करने का। और शेरी भाई अब आप बताएं। एक्चुअली असल में अगर मैं बताऊं तो शायद मुझे एक्टिंग आती ही नहीं है, लेकिन जब मैं एक्टिंग करता हूं तो सबको मेरा काम पसंद आता है, तो शायद मुझे एक्टिंग करनी आती है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने ऑडिशन दिया था तो आई वाज सिलेक्टेड, तो उससे मुझे हो गया था शायद कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी आती है। और चिंटू अब तुम बताओ। मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक है इसलिए मैंने बड़ा होकर एक्टर बनना है। और मैं ड्रामे देखता हूँ उनको देख के मुझे भी एक्टिंग करने का शौक है। और आपको साधु एक्टिंग में आने का कैसे तैयार हुआ? बस अल्लाह की तरफ से। वैसे हमने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। दुआ। और आपको कैसे शौक पड़ा एक्टिंग का? शौक तो इतना नहीं था पर फिर भी मैं सिलेक्ट हो गई। लेकिन अब तो वो क्या कहते हैं एक्टिंग नहीं करती, मॉर्निंग शोज करती है। तो आपका मॉर्निंग शो करने का एक्सपीरियंस कैसा है? अभी तो हमारे दोस्त बताएंगे कि मैं और साधु कितना अच्छा करते हैं। वो हमें फीडबैक दे के बताएंगे। और फीडबैक कैसे देंगे वो आपको? स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें वो फीडबैक दे देंगे। तो आप लोगों की शूटिंग के दौरान सबसे मजे का वाकया कौन सा था?
I remember कि वो मेकअप आर्टिस्ट जो था वो मेरे बाल बना रहा था, तो बनाते बनाते ड्रायर को आग लग गई और आई वॉज लाइक यू बैठा हुआ था और उसने उसी टाइम ड्रायर को यू फेंका बाहर फेंक दिया था और मैं उसी टाइम यू हो गया था मुझे याद है बहुत बच्चा था मैं उस टाइम वरना इसके सारे बाल जल जाते और शायद हाथ गंदा और हमारे सेट पे डॉग्स भी थे बहुत तंग करते थे ये डॉग्स को ये बच्चे डॉग्स को बहुत तंग करते थे आईमा तो बहुत डरती थी उनसे एक बार तो शेरी भाई के पीछे भी पड़ गए थे जब मेरे पीछे पड़े थे तो मैं तो भाग रहा था और ये सारे मुझ पे हंस रहे थे चिंटू तुम तो बड़े शरारती हो यहाँ पे क्यों चुप बैठे हुए हो असल में चिंटू सोच रहा है कि अब वो कौन सी नई मिस्ट्री बनाए इसका मतलब चिंटू का करेक्टर तो बहुत मजे का होगा चिंटू का करेक्टर वाकई बहुत मजे का और इसने हमारे साथ जो कुछ किया है वो तो अब आपको ड्रामा देख के ही पता चलेगा और आप लोगों को ड्रामा देख के बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा उसमें करेक्टर कितना अच्छा है बिल्कुल अच्छा तो फिर अपने करेक्टर के हवाले से बात बताओ मेरे करेक्टर में मैं बहुत शरारती बच्चा दिखाया गया हूँ और शाम को खुलेगा डायरेक्टर अंकल शूटिंग के दौरान आप लोगों को डांटते तो नहीं थे डायरेक्टर अंकल इतना डांटते थे लेकिन वो इस तरह डांटते थे कि हमें फील ही नहीं होता था कि हमें डांट रहे हैं दोस्तों आप लोगों को लग रहा है ना ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है तो आप लोगों ने आज शाम ये ड्रामा जरूर देखना है इस ड्रामे में बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा क्या खास बात है इसमें इसमें बच्चों को सारे आदाब सिखाए जाएंगे कैसे उन्होंने बड़ों से बात करनी होती है उनको तमीज उनको सब सिखाएंगे हम सब सिखाएगी चंदा आपकी और उसके तारे और हर एपिसोड के एंड पे आपको कोई ना कोई लेसन भी मिलेगा आप लोगों में से सबसे ज्यादा लड़ाका कौन था आईमा नहीं नहीं मैं तो नहीं थी सनी था ज्यादा लड़ा ये थी सनी था ज्यादा लड़ाका ये थी ये मेरी हर चीज भी छीन लेता था पता ये थी अच्छा तो ज्यादा लड़ता था अभी तो मत लड़ो अभी तो मत लड़ो ये सेट है इसको तो बख्श दो अभी नहीं लड़ो साथ भाई आप तो बहुत चुप करके बैठे हुए आप तो कुछ बोले ही नहीं मैं ये हर वक्त ही चुप रहता था और ये ड्रामे में भी चुप करके बैठा रहता था और इसकी वजह से हमेशा मुझे भी डांट पड़ता था आप लोग जब ड्रामा देखेंगे आप लोगों को पता चलेगा शेरी भाई को पापा से हर वक्त डांट पड़ती रहती थी और क्यों पड़ती थी ये ड्रामा देख के पता चलेगा चिंटू आप भी कुछ बोलो ना आप तो बैलून के साथ खेल रहे हो चिंटू का कोई नया प्लान तो नहीं है हाँ चिंटू इसका मतलब चिंटू ड्रामे में बहुत प्लान्स बनाता था है ना चिंटू हर वक्त ही प्लान बनाता रहता है खुद बहुत बड़ा प्लान है और ये सस्पेंस है कि क्या प्लान्स किए हैं उसने और आप देखेंगे कि आगे आगे चिंटू ने कैसे कैसे प्लान्स किए कि आपका दिल चाहेगा कि इसको पकड़ के मारे जैसा हमारा दिल चाहता और जो चिंटू ने हमारे साथ किया था याद है ना वो याद है तब तो मेरा दिल किया था कि चिंटू को हमारे वो सस्पेंस शाम को खुलेगा तो दोस्तों आप लोगों ने देखा हम लोग कितने शरारती हैं और ड्रामा देख के तो आपको पता चल जाएगा ड्रामा देख के आप लोग को ज्यादा मजा आया तो फिर ठीक है मैं भी शाम को जाके जरूर ड्रामा देखूंगी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना और आप सबने भी जरूर देखना है ड्रामा अच्छा खैर आप लोग ये बताएं एक्टिंग के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करते थे देखा कोई प्लान था इसका चिंटू ये तो भी थे दोस्तों देख ले यही भी इतनी शरारत कर रहे तो ड्रामे में क्या करेगा चिंटू आप घर में भी इतनी शरारती हो नहीं इसको सिर्फ दूसरों के घरों की चीजें तोड़ने का ज्यादा शौक रहता है इसी से ये जलता बहुत था चिंटू का नाम भी बड़े मजे का लग रहा है तो इसका करेक्टर भी मजे का होगा बिल्कुल चिंटू करेक्टर ही है और ये आपको ड्रामा देख के पता चलेगा क्योंकि मेरा नाम मजे का तो मेरा करेक्टर भी मजे का है अच्छा भाई उसने पढ़ाई का भी पूछा है तो साथ ये भी बता दो कि हम अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करते थे शेरी भाई तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे और मैं ये सेट पे आके सो जाते थे सिर्फ झूठ बोल रही है बिल्कुल गलत है इवन मैं अपनी बुक साथ लेकर आता था सिर्फ बुक साथ लाता था घर वालों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ता जो मेरा रूम था मैं उसमें पढ़ता था जाकर नहीं कोई मैं गवाही देता हूँ शेरी भाई पढ़ते थे इवन मैं तो सनी को भी पढ़ाता था मैंने सनी को भी बहुत होमवर्क करवाए ये तो जो ड्रामे में है ना वो रियल में बिल्कुल भी नहीं इतना ज्यादा पढ़ना का खेलना भी नहीं मैंने तो अपने पेपर्स भी इसी तरह दिए थे मैंने ऑफ लेकर दिए थे और क्या कहते हैं मेरे लिए काफी था टाइम लेकिन कैसे दिए थे हां भाई ये भी मेरे साथ ही था ये भी मेरे साथ तो दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं तो इसके साथ आपको पढ़ाई भी मैनेज करनी पड़ेगी बिल्कुल पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए और हां एक और बात मैंने एक बात तो बताई नहीं कि आयमा और रयान
सचमुच के बहन भाई हैं। इस वजह से आयमा उसकी शिकायतें लगा रही है। ये बात रह गई थी कि आयमा और रेयान भी बहन भाई हैं आपस में, लेकिन ड्रामे में मैं और शेरी भाई बहन भाई हैं। और आयमा का ड्रामे में एक नाम भी है, वो हम आपको ड्रामे में बताएंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं, सस्पेंस रहने देना चाहिए। तुम भूल गए, यही तो सस्पेंस है। दोस्तों आप लोगों को हमारा सेट कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना यहाँ चंदा तारे की कास्ट के साथ? और सुबह सुबह उठ के कितना मजा आ रहा है। सुबह सुबह उठकर ब्रेकफास्ट हो और साथ सुबह मुबारक का शो लगाओ तो अपना ही मजा आता है। आप लोग तो हमारे साथ रहेंगे ही, तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज कॉर्नर की तरफ। तो दोस्तों ये है ईमान जो आज हमें एक्सरसाइज कॉर्नर में एक्सरसाइज कराएंगी, और ये रोज हर एपिसोड में हमारे साथ रहेंगी। और एक्सरसाइज सुबह सुबह करने से आप लोग फिट, हेल्दी और स्मार्ट भी बन सकते हैं जिस तरह ईमान हैं, और एक्टिव भी। तो चले क्यों ना शुरू करते हैं। ईमान आज हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? आज हम चार एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें से पहली एक्सरसाइज है एंकल मसाज। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों हमारी है लास्ट एक्सरसाइज, वो बहुत मजे की है और जरूर आपने की होगी। चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको बताना भूल गई कि हमारी लेग्स के लिए बहुत अच्छी है। मजा आया होगा, ये एक्सरसाइज घर पे जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम और भी मजा करेंगे। हम यू गए और यू आए, तो देखते रहिए। मनालापी आज आप क्या बना रही हैं? जैसा कि आपको पता है कि आज सब कुछ चंदा तारे पर बेस्ड है, तो आज मैं बहुत सारे चांद और तारे बनाऊंगी आप सबके लिए। एक प्लेट, तीन चम्मच, घड़ी, पंखा।
अब कौन जोक सुनाएगा? शरीफ नहीं, इस वक्त मेरे माइंड में कोई जोक नहीं है। रिडल रिडल कर लेते हैं। ओके फाइन। एक प्लेट, तीन चम्मच, घड़ी, पंखा। हाँ पंखा। अच्छा कोई मुझे ये बताए कि अंधेरे में क्या चीज नजर आती है? जुगनू, लाइट, चांद। अंधेरे में अंधेरा ही नजर आता है। अच्छा अच्छा, अब मैं नाक पे बैठे कान को पकड़े। मैं एक और टंग ट्विस्टर देता हूँ। नाक पे बैठे, एक सेकेंड, एक टंग ट्विस्टर। रेड बल्ब, ब्लू बल्ब, रेड बल्ब, ब्लू बल्ब, रेड बल्ब, ब्लू बल्ब, रेड बल्ब, ब्लू बल्ब, रेड बल्ब, रेड बल्ब, ब्लू 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 बल्ब। हो गया हो गया। अच्छा नाक पे बैठे कान को पकड़े, क्या? मच्छर, ऐनक, ऐनक, ऐनक। ये यार अब आप भी कुछ पूछे ना। मेरे पास तो एक टंग ट्विस्टर है, थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है। बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, बट द बिटर बिट ऑफ बटर वाज अ बिट बिटर। आप मुझे ये बताएं कि आपका जब सेट पे आप लोग शूटिंग करने जाते थे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? कौन से ऐसे फनी मोमेंट्स थे जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हमें हर वक्त बहुत मज़ा आता था सेट पर, और सबसे ज़्यादा टाइम चंदा आपी के मेकअप को लगता था। सुबह ही आके जाती थी और मेकअप करती रहती थी। मैं अकेले नहीं करती थी, अम्मिया भी करती थी। और कोई ऐसा मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा? हमारे ड्राइवर्स भी। मैं हमारे सेट पर एक जो हमारे गार्डियन बने हुए ड्रामे में, जफर अब्बास उनका नाम है, वो हमेशा हमारे साथ बहुत अच्छी सेल्फीज लेते थे और उनकी और हर मोमेंट पे वो सेल्फी लेते थे और उनके सेल्फी एक्सप्रेशंस भी एक्सप्रेशनलेस होते थे। पर सेल्फी कैसे लेते? चलो सेल्फी लेते हैं। बच्चों आप ऐसे नहीं, मैं जब यूं करूंगा ना आप ऐसे करना। वो एक्सप्रेशन भी ऐसे देते थे। लेकिन ये बुरी बात है क्योंकि बैक बाइटिंग इज बैड। चलो है ना, हम यहाँ से कोई बुक ले लेते हैं, इतनी ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, इनमें से किसी बुक ले लेते हैं और फिर उससे मजा करते हैं। वो देखो जान की सीडी भी है यहाँ पर, हम दानी के लिए वो लेके जा सकते हैं। हाँ क्या आप हमें अपने दानी के लिए वो सीडी दे देंगे? हम जायका टीवी से खुद ही ऑनलाइन मंगवा लेंगे। आईमा वो टॉट बी टॉट की बुक पकड़ो, हम उसको पढ़ते हैं। सूफी तो बस जान का सॉन्ग है सब। जान मैं जान और मेरी प्यारी मामा, मैं जान और मेरे प्यारे बाबा, दादी मासी बहन अकलमंद भाई, हमारी है प्यारी है स्वीट फैमिली। मैं जान और हूँ 5 साल का, जानता मित्र हूँ सारे ताल का, अच्छी है प्यारी है हमारी फैमिली, मिसाली है प्यारी है सारी फैमिली। छोटा कीड़ा, मैंने अंडे से मुंह निकाला, हर तरफ मजे मजे के पत्ते और टहनियाँ थी। मैं फौरन अंडे से निकला और जल्दी जल्दी इन्हें खाने लगा। एक पत्ते के बाद दूसरा पत्ता, एक टहनी के बाद दूसरी टहनी, खाता रहा खाता रहा, खा खा कर इतना मोटा हो गया कि हिलना भी मुश्किल था। बस एक जगह बैठ गया। बैठे बैठे मैंने अपने इर्द गिर्द एक हॉल बना लिया। मैं कई दिन इस हॉल में बंद रहा। एक दिन हॉल खुद ब खुद टूट गया। मैंने हॉल से मुंह बाहर निकाला, हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे। मैं एक फूल पर जाकर बैठ गया। बच्चे मुझे देखकर तितली तितली कहते मेरी तरफ दौड़े। बस कहानी खत्म। अच्छा वो कीड़ा यानी तितली बन गया था। वो कीड़ा जब उस हॉल में रहा था तो फिर वो उसके बाद वो तितली बन गया था। बट मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या सोच सकते हैं इसके बाद हम और कोई अच्छी एंडिंग कर सकते हैं? बच्चे मुझे तितली समझकर मेरे पास दौड़े, उन्होंने मुझे अपने जार में डाला और अपने मुझे अपने घर ले गए।
मनालापी आपको कैसी लगी ये स्टोरी? बहुत अच्छी। आप भी कोई हमें स्टोरी बताएं ना, कोई अच्छी बात या कुछ ऐसा। अभी तो मैं आपके लिए स्टार्स बना रही हूँ। आप में से किस किस को ड्राइंग का शौक है? मुझे। कभी कुछ बनाया है आपने अपने घर के लिए, घर की डेकोरेशन के लिए? जैसे कि क्या बनाया आपने, शेयर करें मुझसे। पेंटिंग्स, पॉइंटर वर्क्स, बहुत। और जब भी मामा पापा की एनिवर्सरी हो तो उनके लिए हैंडमेड कार्ड बनाते हैं। वाओ, इसका मतलब है कि आपको हमारा क्राफ्ट का सेगमेंट बहुत पसंद आएगा। बहुत ज्यादा। किसी को यहाँ पे गाना आता है? गाना जिसकी आवाज बहुत अच्छी है तो बिल्कुल गाओ। पाकिस्तानी सॉन्ग। हाँ। और बहुत अच्छा सॉन्ग। जाने कैसी बातें तूने अखियों के डोर, मन मेरा खींचा चलाया तेरी ओर, मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों के शाम, मेरा सब कुछ है पिया से तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ तू है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हसी, आफरी 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 आफरी। बहुत अच्छा गाती है। और ये देखें, आप सबके लिए चांद और तारे रेडी हो गए हैं। चंदा तो एक ही है। आप सब भी तो उसमें हो। ये लो, आप तारे ले लो। अब आप सबके पास चंदा भी है और तारे भी हैं, तो क्यों ना चंदा तारे का सॉन्ग गाया जाए। रोशन चंदा चमकते तारे, आओ मिलकर देखे सारे, दिल गलों से सुने कहानी, जिसमें वो अच्छी बातें सारी, रोशन चंदा चमकते तारे, आओ मिलकर देखे सारे, दिल गलों से सुने कहानी, जिसमें वो अच्छी बातें सारी। दोस्तों अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, तो देखते रहे सुबह मुबारक और शाम को देखना ना भूलिएगा चंदा तारे। कौन सी गेम खेलें? हम पासिंग द पार्सल खेलें। दोस्तों हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आपको पता चल ही गया होगा कि हम क्या करने लगे हैं। हम गेम्स खेलने लगे हैं। और अपने गेस्ट से पूछ ही लेते हैं कि हम कौन सी गेम खेलें। हम पासिंग द पार्सल खेलें। ये ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, एक सांस में 10 सब्जियों के नाम। आईमा वही वाला शिविर है जो हम सेट पर भी करते थे। नहीं, या तो ये या तो वो। ये देखा, ये बहुत लड़ाकी है, ये इसी तरह करती है। नहीं नहीं नहीं, कुछ और कुछ और। नहीं अब हम ये दोनों आलू टमाटर की आलू चलो फिर बस ये लास्ट गाना सुना दो। कौन सा गाना? कोई सा भी पाकिस्तानी गाना। चंदा तारे का गाना। चलो चंदा तारे। रोशन चमकते चंदा तारे, आओ मिलकर बैठे सारे, दिल को दिल से सुने कहानी, जिसमें वो अच्छी बातें सारी। चलो आई मैं इसका मतलब निकल गई।
नहीं नहीं आई मैंने डेयर पूरा किया है। ओके चलो ये लो। मैं दूंगा। 10 सेकंड में 15 पुशअप्स। कल से ठीक है, ठीक है ना? चलो कहाँ पे करनी है? सामने। चलो अब दुआ डांस करके दिखाओ। नहीं डांस करके करना चाहिए, तो करना पड़ेगा। डांस करके दिखाओ, डांस करके दिखाओ, डांस 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 करके दिखाओ। चलो चलो जाओ। दुआ इसको हम देंगे। हाँ, हम देंगे। मैं। सनी चलो उस गाने पे डांस करके दिखाओ। मुझे याद नहीं आ रहा। याद है ना। चलो चलो मेरी मदद में करके दिखाओ। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसका मतलब मैं नहीं बच सकता? नहीं बच सकते, बिल्कुल भी नहीं। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कोई चांस नहीं है। भाई ये क्या था? शेरी था यार, शेरी था यार। अच्छा शेरी बता दो ना सर। अच्छा एक सांस में 10 शेरों के नाम। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, पिशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोधा। हो गए, हो गए, हो गए। खत्म करते हैं और हम वैसे भी सभी जीत गए। सबने अपने डेयर्स पूरे किए। आप लोगों को हमारे साथ आज की सुबह गुजारने का कितना मजा आया? बहुत ज्यादा मजा आया। हमने बहुत मजा किया और आपका शो का आज पहला दिन है और बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। और हमने बहुत सारी गेम्स खेली, हम सबको बहुत मजा आया और थैंक यू हमें इन्वाइट करने के लिए। और आज का शो देखना भी किसी ने नहीं भूलना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो दोस्तों आपको हमारा शो कैसा लगा? यकीनन आपने खूब एंजॉय किया होगा। अब शो का टाइम खत्म हो रहा है लेकिन बिल्कुल नहीं दिल कर रहा कि वापस जाएं। पता ही नहीं चला कितनी जल्दी टाइम गुजर गया। इसी तरह लेकिन शाम को तो शो शुरू होने वाला है, उसका इंतजार है। तो दोस्तों अब हम लेते हैं इजाजत और आज शाम को आप मुश्किल में एक दूसरे के संग। इस आंगन में है फूल और कलियां जिसमें उतरती हैं प्यारी प्यारी तितलियां। प्यार की शोखियां अपनों का साथ है, शरारतें हम आकते और ख्वाब अपने। आओ मिलकर खुशियां समेट ले हम और ले बुजुर्गों की दुआएं हम सभी। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त साधु। और मैं हूं आपकी होस्ट दुआ। आप देख रहे हैं बच्चों का मॉर्निंग शो सुबह मुबारक। टोट बटोट का एक तोता है, उम्र है उसकी 8 हफ्ते। मियाँ मिट्ठू नाम है उसका, सब कहते हैं मियाँ माठ। सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो। ये देखिए फ्रेंड कितना प्यारा लग रहा है।